अस्सलाम वालेकुम जी, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल और अनदर व्लॉग। जब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो जी मेरे बेटे को उसी टाइम याद आता है कि मुझे रोना है और मुझे अम्मा से कोई ना कोई डिमांड करनी है। तो साथ साथ बच्चों की डिमांड्स पूरी करते हैं, साथ साथ आपको साथ वीडियो शेयर करते हैं। और जी वीडियो स्टार्ट हो रही है सैटरडे मॉर्निंग से। हम लोगों का प्लान बना, हमारी एक फ्रेंड्स हैं फैमिली यहाँ, तो उनके साथ के हम लोग बच्चों के साथ विद फैमिली आउटिंग पे चलते हैं और इंजॉय करते हैं वीकेंड को। सो हम लोगों का प्लान बन गया कि बच्चों के साथ हमें एक पार्क में जाना चाहिए। पार्क को ही एक सी व्यू लगता था बहुत ज़बरदस्त किस्म का। सो हमारा प्लान बन गया कि हम लोग वहाँ जाएंगे। सो जनाब, वीडियो मैंने रास्ते से बनाना स्टार्ट कर दी थी, रास्ता भी बड़ा खूबसूरत था, तो सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर किया जाए। और मौसम भी अच्छा था, कभी धूप आ रही थी और कभी बादल आ रहे थे। सो मज़ेदार मौसम था। तो प्लान हम लोगों का बना था फ्राइडे इवनिंग में ही, प्लान बना लिया था हम लोगों ने कि हम लोग इंशाल्लाह सुबह जाएंगे। सो उसी तरह से हम लोगों ने चीज़ें भी डिवाइड कर ली थी कि हमें क्या क्या बना के लेके जाना है, क्या मेन्यू होना चाहिए, बच्चों को क्या अच्छा लगेगा और पार्क में हमारे लिए लेके जाना क्या ईजी भी रहेगा। क्योंकि हम लोगों को घर से जो था वो आ रहा था 1.5 आवर का आ रहा था, लेकिन जैसे हम रास्ते में पहुँचे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और हम लोगों को वही 2.5 आवर लग गए, 1 आवर प्लस हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। बच्चे भी रास्ते में बोर होने लग गए, भूख भी लग गई और सब कुछ साथ साथ चलता रहा, लेकिन पार्क में पहुंचने के बाद बच्चों ने इतना इंजॉय किया वो सब कुछ भूल गए और बच्चों को देख के हम लोग सब कुछ भूल गए। पाकिस्तान के बाहर वीकेंड को इसी तरह मनाया जाता है कि पार्क को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, सी व्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। पाकिस्तान का वीकेंड कुछ डिफरेंट होता है और आप कहीं बाहर रह रहे हो पाकिस्तान से तो वो वीकेंड बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैं आपको टर्की का वीकेंड शेयर कर रही हूँ। यहाँ की रूटीन ये होती है कि लोग अपनी अपनी चेयर्स टेबल लेके तो पार्क में पहुँच जाते हैं। ये लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, बिल्कुल भी इस चीज़ को बदर नहीं करते कि बच्चों के साथ हम लोगों को इतना कुछ उठाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। जैसे हम पाकिस्तानी लोग ज़रा थोड़ी जल्दी थोड़ा हाइपर हो जाते हैं ना, क्या इतनी चीज़ें उठाएँ, ये करें वो करें, तो ये लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। सो जी हम पार्क में पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों ने खाने पे टूट पड़े क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, बच्चों को भी बड़ों को भी। और टेबल लगाई और बस जनाब फटाफट से ना दस्तरखान लगाया, शीट लगाई और खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया और बहुत मज़ेदार खाना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे खाना कहाँ था। आप लोगों को पता है टर्की में यही बेस्ट फूड है, बेस्ट मतलब जो पेट भरने वाला ना ये, वरना तो लोग इससे भी कम कम चीज़ें, मतलब हमारा जो स्नैक टाइम होता है ना ये लोग वही खाना समझते हैं। रोटियां शोटियां तो हम लोगों के ही होती हैं ना। पाकिस्तान में कहीं आउटिंग पे जाना हो और अगर आप घर से कुछ अरेंज करके लेके जा रहे हैं तो फिर वो फजर टाइम उठना पड़ता है और कौरमे बनते हैं, बिरयानी बनती है। और यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है। और ये जो आपको बच्चे खेलने चले गए थे खाने के बाद, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये पेट्स के लिए है। यहाँ पे लोग अपने जिनके पास पेट्स थे वो लेके आ रहे थे और उनका मतलब प्ले एरिया था ये। सो जनाब, वीडियो को मज़ीद आगे ले जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और ये देखिए हमारे टेबल के पास ही ये बच्चियाँ थी जो कि वॉलीबॉल प्ले कर रही थी और बड़ी माशाल्लाह बड़ी एक्साइटेड थी, इतना एंजॉय कर रही थी, इतना एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा हमारे यहाँ तो इस उम्र की बच्चियों का बिल्कुल डिफरेंट सीन होता ना। ये देखिए माशाल्लाह यंगस्टर्स हैं, आई थिंक 18+ होंगी, तो इतने मज़े से प्ले कर रही थी और काफ़ी देर मतलब 1-2 घंटा उन्होंने इसी तरह खेलती रही हैं। और उसके बाद फिर जाके अपने टेबल पे कुछ खाया पिया उन्होंने, पास ही उनकी मदर्स वगैरह बैठी हुई थी।
वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन थे, मस्जिद एरिया भी था कि आप लोग नमाज भी पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैमिलीज आई हुई थी और जैसे जैसे टाइम हो रहा था, बढ़ रहा था, शाम हो रही थी, और भी लोग आना शुरू हो रहे थे। यहाँ पे पतंगें उड़ाई जा रही थी, ये सबसे मज़े का सीन था देखने को कि पहले तो एक आधी नज़र आ रही थी और उसके बाद पता चला कि एक थे वहाँ पे अंकल, वो बेच रहे थे। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यारी प्यारी काइट्स रखी हुई थी और बड़ा मतलब शाम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा फ्लाइंग होने लग गई थी जी। तो ये दोबारा से कुछ खाने का प्लान हो गया बच्चों का, और स्नैक्स टाइम था, चाय थी साथ में, टर्किश टी, और फिर वो एंजॉय किया। और उसके बाद बच्चे फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मोहम्मद आहिल को देखें, आपको दूर दिखाई दे रहे होंगे, अपनी गाड़ी को ले जाते थे उधर दूर ज़रा कि मुझे चलानी है, मुझे चलानी है, और चलानी नहीं है, फिर जाके लोगों को देखने और इंजॉय करना है। और वो देखे बच्ची एक माशाल्लाह फुल हिजाब में थी और तो मज़े से साइकिलिंग हो रही है, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और हम पेरेंट्स बैठ के दूर कभी बच्चों को देखते थे, कभी खुद पास चले जाते थे, कभी फादर्स को भेज देते थे, कभी हम मदर्स चली जाती थी बच्चों के पास, और बस वीडियोस क्लिप बना रहे थे और कोई काम नहीं था। बस गपशप लगा रहे थे, साथ साथ बच्चों को देख रहे थे, बस यही करते रहे। फिर शाम को सनसेट का व्यू देखने के लिए हम लोग सी व्यू साइड पे चले गए, और वो बड़ा एक ज़बरदस्त सीन था माशाल्लाह माशाल्लाह से। और वहाँ पे कुछ हमने 20 to 30 मिनट स्पेंड किए, यानी टोटल हम लोगों ने 3 to 4 आवर्स वहाँ पे अच्छे से स्पेंड किए बच्चों के साथ। और उसके बाद हम लोग, शाम ही हो गई थी, तकरीबन रात हो गई थी जब हम लोग वहाँ से निकले पार्क में। ये वाला एरिया मोहम्मद आहिल का बेस्ट था, जो बहुत ज़्यादा पसंद था। मोहम्मद आहिल उसको छोड़ने के बिल्कुल रेडी नहीं थे, उधर आना जाना ऐसे स्लोप सा बना हुआ था और बस उधर इंजॉय हो रहा था। तो जी जनाब, हम लोग सनसेट व्यू के लिए पहुँच चुके हैं, और देखिए माशाल्लाह कैसे हम टाइम पे आए हैं, बिल्कुल सनसेट होने वाला है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये ले सनसेट हो गया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत व्यू था, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह। तो जनाब, तो देखा रात हो गई है, अब हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो एग्ज़िट एरिया के पास ही उन्होंने बच्चों के लिए ट्रैक बनाया हुआ था कि ये सिग्नल्स थे, जब गाड़ियों वाला साइकिलिंग की थी तो साइकिलिंग का वो सिग्नल ऑन ऑफ हो रहा था, या जो स्केटिंग कर रहे थे उनके लिए था। तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ये ना एक पॉइंट बनाया हुआ था कि कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो और बच्चे बड़े सभी ईजीली ना यहाँ पे साइकिलिंग कर सके, स्केटिंग कर सके। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एरिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख के, एक ये डिफरेंट चीज़ थी मुझे जो आज देखने को मिली। और उसके बाद स्टॉल्स बहुत से लगे हुए थे, चाय के स्टॉल थे, खाने के स्नैक्स के लिए थे, बच्चों के टॉयज़ के थे। और ये देखें फिर से एक थोड़े बड़े बच्चों के लिए एक आ गया, एक पार्टीशन थी कि यहाँ पर वो साइकिलिंग सीख सकते हैं और स्केटिंग कर सकते हैं, स्केटबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये उनका एक सेक्शन था स्पेशली, यहाँ मोस्टली तकरीबन बॉयज़ थे इस साइड पे, और यहाँ बड़े बच्चियाँ थीं, तो इतने मज़े से साइकिलिंग कर रहे थे। और मेरा तो सारी ज़िंदगी, मुझे अच्छी तरह याद है अपने बचपन का एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे बड़े भैया भाई जो है ना, उन्होंने मुझे साइकिल चलाने का सिखाने का सोचा, आई थिंक आई वॉज इन 5th क्लास, और मुझे साइकिल पर बिठा के, तो पहले तो अपने हाथ से चलाना सिखाया, बाद में बोला कि अब ना अशी तुमने खुद चलानी है ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप बस पीछे से पकड़ के रखना, मुझे छोड़ना नहीं। हाँ हाँ मैं नहीं छोड़ने वाला ना, मैंने कहा चलें ठीक हो गया। अच्छा थोड़ा सा ना एक आधा स्टेप ही अभी मैं आगे गई होंगी, और भाई ने मुझे पीछे से छोड़ दिया, और सामने दरख्त था, और जाके मैं दरख्त में लगी डुस करके। वंस अगेन, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी न्यू वीडियो के साथ मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।